मॉर्निंग गाइस, क्योंकि आज छुट्टी है तो काफ़ी देर तक मैं सो गया था। सी मेरे सामने का व्यू घर से, मेरे घर के बालकनी से ऐसा ही दिखता है। सुबह सुबह पौधों को पानी भी देता हूँ, लेकिन आज लेट हो गया। रीजन उसका वही है कि सो गया था। उठते ही मैंने पहले अपना एक प्रोजेक्ट एडिट किया, क्योंकि अपलोड करना है। आज लेट भी हो रहा अपलोड करने में, काफ़ी देर हो गया बाप रे। तो आज मेरा ब्लॉग भी काफ़ी लेट से अपलोड होने वाला है। इसी फटाफट काम करता हूँ मैं, ब्रेकफास्ट भी करना है, भूख भी लगी है, ब्रश करना, सब कुछ तैयार नहीं है। मेरे सारे सामान घर घर पड़े रहते हैं, इसमें है नहीं, आएगी तो बहुत कुछ बोलने वाली है। सब तैयार करता हूँ। चलिए ब्रेकफास्ट में मैंने क्या सोचा कि ये पड़ा हुआ है मेरे पास साबूदाना, क्योंकि मैंने इसको लास्ट संडे को ही नहीं बना पाया था, पड़े फ्रिज में रखा हुआ था। तो फिलहाल मैंने यही साबूदाना खिचड़ी बनाने वाला हूँ। ओ साबूदाना खिचड़ी कैसे बनती है? मूंगफली को पहले ना इसको वाइफ ने बोला है कि इसको पहले फूट लो, थोड़ा सा महीन महीन कर लो, ज़्यादा नहीं। तो मैं इसको महीन महीन कर रहा हूँ। बहुत डिफिकल्ट होता है यार, कैसे खाना बनाते हैं लोग। खाने के बाद शांति नहीं है, सब बर्तन भी धोना है मुझे अभी बहुत सारे। पहले खाते हैं फिर देखते हैं। और मैंने ये आलू भी जो काट के रख लिया हूँ, उसमें मिलाना पड़ेगा। इसको फ्राई करना है तेल में, फिर इसको मिलाना है, फिर इसके बाद ये साबूदाना ये मैंने रखा हूँ फिलहाल पानी में भिगो के। तो ये भी मैं ये लास्ट में डालूंगा, ये फ्राई करने के बाद, ये फ्राई करने के बाद लास्ट में डाल के नमक मिला के मस्त खाऊंगा, मजा आएगा, मुंह में पानी आ रहा है। चलो फटाफट तैयार करता हूँ। चलो फटाफट फटाफट, आई थिंक गर्म हो रहा है ना, गर्म हो गया शायद, हाँ गर्म हो गया। तो आप ये डालते हैं, होप मैं अच्छा बना रहा हूँ, पता नहीं पहली बार बना रहा हूँ। ऑयल जो है ना, ये ऑयल मालूम गंदा क्यों दिख रहा है, क्योंकि ऑयल में मैंने लास्ट संडे को आपने देखा होगा लौकी कतरा बनाया था, तो इसी उसी वो ऑयल बच गया था, ऑयल उसी ऑयल में मैं यूज कर रहा हूँ, उसी ऑयल को मैंने डाला। थोड़ा सा ये देखो कतरे का लगा हुआ है ना, इसके लिए थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन इससे क्या लेना देना, अपने को तो खाने से मतलब है ना। मैं मध्यम कर रहा हूँ तेज करने के बजाय, ये सही है। दिस इज द लाइफ ऑफ कॉमन मैन, मेन वाइफ गॉन विलेज। खूब हो गया होगा, ये खा के देखता हूँ ना, बाप रे जल रहा है, वाह हो गया। नाउ मूंगफली, बस जल्दी से बन जाए। ये कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, क्योंकि उसने बोला तो भूनने के लिए, तो भून तो रहा हूँ मैं। बहुत भूख लगी है, बहुत भूख, लिमिट से ज़्यादा भूख लगी है। अब एक बार बन गया अच्छा ना, तो दो तीन संडे ही बनेगा, जब तक मन नहीं भर जाए। फिर कोई नया डिश वाइफ से पूछूंगा, तो बनाओ। आई थिंक ये भी हो गया होगा ना, कुछ ब्राउन ब्राउन कलर का हो गया शायद, हो गया होगा, जल रहा है यार। हो गया, इसको डालते हैं अभी। इसको भी डालते ना, आलू को शायद इसके बाद ही डालते होंगे ना, पता नहीं। जिसको बनाने आता होगा ना साबूदाना का, वो देख के खूब हंस रहा होगा, क्योंकि मैं कुछ तो रॉन्ग कर रहा हूँ। रेडी, ये चीज मिस हो गया गाइस, क्योंकि मुझे ध्यान ही नहीं रहा। चिल्ली, मैं चिल्ली नहीं डाल पाया, बाकी मस्त बना, मस्त है। दिस इज वेरी गुड, वाह आई लव दिस। मैं ये चिल्ली डालना भूल गया, ये मिस कर गया, मुझे याद ही नहीं था चिल्ली बनाने के चक्कर में। एनीवे मैं चिल्ली ज़्यादा खाता नहीं हूँ, तो
तो उतना फर्क पड़ेगा नहीं मुझे, लेकिन रहता तो अच्छा रहता, थोड़ा सा तीखा होना चाहिए। और मैंने ना देखो जूस भी बनाया, मैं एक्चुअली चाय पीता नहीं, ज़्यादा चाय पीता हूँ लेकिन बहुत कम पीता हूँ, तो मैंने चाय कौन बनाएगा, दूध डालो, शक्कर डालो, अदरक डालो, इतना मेहनत कौन करेगा, ये तो भूख लगी है। तो मैंने ना ये जो ये सूप बना रहा हूँ जी, पानी गर्म किया और इसके अंदर मैं मस्त मेरा सूप भी बन के तैयार हो गया, टेस्टी, देखने में मजा रहे। हाँ टेबल पे रख देता हूँ, ये मेरा सूप यहाँ रख दिया, नाउ लेट्स ईट। ये मेरे घर के बाहर का बालकनी का व्यू, वहाँ पे दो डॉगी खेलते हुए, बच्चे खेलते हुए, और मेरा एक कंप्यूटर और मेरा मोबाइल, दिस इज माय खिचड़ी साबूदाना, दिस इज माय सूप एंड दिस इज मी, लेट्स एंजॉय द ब्रेकफास्ट। चलिए इसको टेस्ट करते हैं। मस्त बना है, ब्लैक भर है लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा है। आई शो यू दिस इज अ वेरी लवली बाइट, बहुत अच्छा बना है। मैं इसको और बनाऊंगा, दोबारा बनाऊंगा, क्योंकि खाने में मजा आ रहा है ना, और सूप, अब सूप भी साथ में खाते हैं ना, वाह मजा आ रहा है, सूप के साथ मजा आ रहा है। मुझे ना बच्चों की तरह खाता हूँ, वाइफ बोलती भी है खाना खाने नहीं आता तुम्हें, बच्चों की तरह गिराते हो, बहुत खाना खाऊंगा तो बहुत ज़्यादा गिरता है, लेकिन बच्चे गिराते हैं ना, आजकल के बच्चे भी उनकी अच्छे से खाते हैं, लेकिन मेरा आदत अभी बचपन का है। इसके एक खाओ एक चम्मच और एक उसके बाद जूस सूप पियो, इसका टेस्ट और अच्छा हो जा रहा है। देखा साबूदाना एक स्पून और एक स्पून जूस, मस्त लग रहा है, आई लव दिस टेस्टी, मेरे पास वर्ड नहीं डिस्क्राइब करने का, क्योंकि अपने हाथ से बनाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन रियली बहुत अच्छा है। जो मूँगफली दाने हैं ना मूँगफली, उसका टेस्ट अलग ही आ रहा है, मजा आ रहा। आलू आलू मूँगफली साबूदाना तीनों मिल के मुँह में जा रहा है, उसके बाद एक स्पून एक सूप, मजा आ रहा। मैं तो इंजॉय कर रहा हूँ खाने का, आपको कैसा लगा वीडियो मेरा, ये एक्चुअली संडे का था सर, आज सैटरडे है, खुद आज सैटरडे है, मेरी छुट्टी है ऑफिस की, इसलिए मैं वीडियो बना पाया नहीं, तो नॉर्मली क्या होता है सुबह सुबह उठो अर्ली मॉर्निंग ऑफिस जाना रहता है, और सुबह सुबह रात को आगे मैं खाना बनाता हूँ, पॉसिबल नहीं होता तो उसका वीडियो में दिखा पाऊँ, कभी कोशिश करूँगा मैं मॉर्निंग का दिखाने का, कैसे मतलब रस रहता है मेरा यार, सुबह उठना ब्रश करना मतलब ऐसा भागम भाग रहता है मैं क्या बताऊँ, पर उसके बाद भी मुझे फिर रन करके मैं सुबह जॉगिंग करके जाता हूँ स्टेशन, वहाँ से ऑफिस आते समय आप देखते हो कैसे स्ट्रगल करके आता हूँ, फिर वॉक करके आना पड़ता है मुझे, जंगल से उसे वॉक करता हूँ। ओके गाइस आई लव दिस माई ब्रेकफास्ट, होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट एडवेंचर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और आप भी अच्छे से ऐसा ब्रेकफास्ट बना के खाइए।